वो अपने असिस्टेंट पंडित को कहता है भैया 314 नंबर का रजिस्टर लाना, क्योंकि 314 नंबर में शिव नाम दर्ज होता है और नाम में कोई बहुत बड़ी चीजें दर्ज नहीं होती है। मैंने बहुत उसको सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया, उसमें केवल परिवार के नाम होते हैं, इसका बेटे का, बेटे का, ये का, ये वो, ये ऐसी चीज, और ऐसी भाषा में दर्ज होता है कि आप तो पढ़ी नहीं। जैसे वो डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर जो लिखता है उसको वो केवल सामने वाली दुकान वाला समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। तो पंडित जी भी 21,000, उससे 50 से नीचे में मर गए तो 11,000, और इतने निर्मल लोग हैं अगर कोई एक्सीडेंट में भी मर गया तो 5,000 से कम रुपए नहीं देते। मैंने कई लोगों के उनके सामने पगड़ी रखते हुए देखा और ये कहते हुए देखा कि बाप जी पैसा नहीं है, जाने का पैसा नहीं है, आप कम करेंगे, लेकिन वो लोग उसके बावजूद ये कहते हैं कि जाने का पैसा हमसे उधार ले लो, हमारा आदमी आएगा जो तुमसे वसूल कर लेगा, लेकिन अभी तो 5,000 देना पड़ेगा तुमसे। और वो 5,000 वहाँ देने के बाद खेले में ले जाते हैं, उसकी थैली को खोलते हैं और हड्डियाँ उसमें रखते हैं और आपको एक डुबकी लगवाते हैं वो अंदर कपड़े खोल के, और गंगा का पानी बहुत ठंडा हिमालय से आता है, लगती है इतना ठंडा पानी, उसमें डुबकी लगवा करके ऊपर खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं बोलो। तो बोलो का मतलब ये नहीं कि भाई जय भीम बोलो, उनका मतलब है कि पैसा बोलो। अब ये जो कांप रहा है ठंड के मारे, ये जल्दी से जल्दी बोलता है के बाद आपको वहां से मुक्ति है, लेकिन मुक्ति नहीं हुई अभी। उसके बाद पंडित के भतीजे की दुकान है मार्केट में, वहां एक लड़के को लेकर के वो भेजता है और फिर आप सामान खरीदते हैं, गले की छोटी छोटी मालाएं, एक डंडा, एक गेड़िया, एक गंगा जी के जा रहे हैं गांव में, सारी चीजें उनके लिए शुद्ध पधारो, तब तक आपकी जेब पूरी तरीके से ढीली कर देते हैं। गंगा जी का हाल क्या है आप रोज पढ़ते होंगे, मेहनत कस लोगों की हजारों करोड़ की टैक्स की राशि से गंगा जी को सफाई करने का काम पिछले 5 साल से चल रहा है, सफाई नहीं हो रही है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा गंगा का पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, नहाने के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि हमारे पूर्वजों का तर्पण हो गया, इसमें उद्धार हो गया। अरे जिस नदी को खुद को शुद्ध करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत है वो आप। तो मेरा बुजुर्गों से निवेदन है एक दिन में बंद नहीं होगा, लेकिन व्यवस्था बिठानी पड़ेगी। व्यवस्था क्या बिठानी पड़ेगी, जैसे एक जटिया समाज है, रेगर समाज, उनके सारे पंचों ने राजस्थान से जाकर के पंडित गंगाराम के जितने भी लोग हैं उनको कहा, पंडित गंगाराम जी तो चले गए ऊपर, अब उनका केवल नाम चलता है, तो पंडित गंगाराम के बेटे बेटियों को कहा हमारा समाज राजस्थान से आए, गुजरात से आए, चाहे मध्य प्रदेश से आए, आपको केवल 1100 रुपए देगा, उसी 1100 रुपए में नाम भी लिखना है, उधर पानी में भी खड़ा करना है और सामान का